दोस्तों, खूबसूरत पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा राज्य बसा है जिसका नाम है नागालैंड। दरअसल ये भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ की प्रथाएं और मान्यताएं भारत के बाकी राज्यों से काफी ज्यादा अलग है। हालांकि आपको ये बात तो पता ही होगी कि नागालैंड की सुंदरता की वजह से इसे भारत में मिनी स्विट्जरलैंड नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां आपको ऐसे अद्भुत संस्कृति देखने को मिलेगी जिसकी कल्पना तक आप नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो ये राज्य आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि यहां पर लोग क्या क्या खाते हैं इसको देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। हालांकि दोस्तों, कई लोगों ने ये गलत अफवाह फैला दी थी कि वहां के लोग आदमियों को मारकर खाते हैं, जो कि पूरी तरह से झूठ है, जिसे वहां के मंत्री तेमजिन इनमा ने भी अपने भाषण में क्लियर किया था। हां, प्राचीन काल से ही नागालैंड पूरी तरह से जंगल से घिरा एक खूबसूरत वादियों वाला बेहद ही सुंदर राज्य है भारत का, जहां खाने पीने की कमी होने के कारण प्राचीन काल से ही यहां पर जानवर को पकाकर खाया जाता है, पर मनुष्य को खाया जाता है ये पूरी तरह से एक अफवाह है। दरअसल दोस्तों, इस राज्य को अपनी खूबसूरत वादियाँ, ठंडे मौसम और वहाँ रहने वाले कबीलों और त्योहारों के लिए भारत समेत दुनिया भर में जाना जाता है। और सच बताऊं दोस्तों, तो बतौर भारतीय हमें एक बार नागालैंड घूमने जरूर जाना चाहिए। और अगर आप भी नागालैंड घूमने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप और आप देख रहे हैं AGK टॉप 10। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको नागालैंड के कुछ ऐसे शॉकिंग और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं जिसके बारे में आज से पहले आपने शायद ही सुना होगा। और दोस्तों, वादा करता हूँ कि इनमें से कुछ फैक्ट तो ऐसे होंगे जिनके बारे में आपने आज से पहले बिल्कुल नहीं सुना होगा। इसलिए हम आपसे उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहें, ताकि आपके दिमाग से भी नागालैंड के लिए कुछ ऐसी अफवाहें हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएं। हालांकि दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना और नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, अब देर न करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं और हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात तो हम में से कई लोग जानते होंगे कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, वहीं दीमापुर इस राज्य का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। हालांकि ये काफी छोटा राज्य होने के चलते यहाँ की जनसंख्या कुल 22 लाख की है। दरअसल इस राज्य के पास मात्र 16,579 किलोमीटर की जमीन है, यानी अगर आप इस राज्य की तुलना भारत के किसी और राज्य के साथ करें तो ये बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत ही छोटा है। वैसे इस राज्य के बारे में आपको जानकर हैरानी होगी कि नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर साल 2001 से साल 2011 के बीच उनकी जनसंख्या लगातार घटी है, जो कि भारत के नजरिए से एक अचंभित करने वाली बात है। वैसे अपनी संस्कृति के लिए जाने जाने वाला नागालैंड हर तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मतलब यहाँ आपकी नजरें जहाँ से जहाँ तक जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ हरियाली देखने को मिलेगी। शायद इसीलिए नागालैंड किसी भी टूरिस्टर के लिए स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। वैसे अगर आप नागालैंड घूमने की सोच रहे हैं तो वहाँ की हसीन वादियाँ, हरियाली और बहुत ही खूबसूरत सूर्योदय आपका मन मोलेगी। यानी सीधी भाषा में बोले तो अगर आपको नेचर काफी ज्यादा पसंद है तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि नागालैंड के कोहिमा, दीमापुर, मुकुचुंग, मून और वुखा के अलावा बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं नागालैंड में। हालांकि इतना ही नहीं, नागालैंड के पहाड़ियों पर आप ट्रैकिंग और कैंपेनिंग जैसी चीजों का भी आसानी से लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन उसी दौरान नागालैंड में आपको 100 से ज्यादा जनजातियों के लोग रहते हुए मिल जाएंगे। वैसे सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इन सभी की संस्कृति और मान्यता एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है। दरअसल यहाँ पर सभी जनजातियों को ना सिर्फ संस्कृति या मान्यता अलग है, बल्कि यहाँ पर भाषा भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, यानी कि जितनी जनजाति उतनी भाषा। और यही कारण है कि नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पर कई सारे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। लेकिन फिर भी इससे घबराइए मत, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता देगी नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को मानी जाती है, क्योंकि इस छोटे से राज्य में 100 से भी ज्यादा भाषा बोली जाती है, जिस वजह से यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को मानी जाती है, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को इस राज्य में थोड़ी सहूलियत मिले। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि नागालैंड में एक जाति ऐसी भी है जो किसी भी लैंग्वेज में बात ही नहीं करती है इंग्लिश के अलावा। मतलब नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज तो इंग्लिश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज आओ है, क्योंकि नागालैंड में रहने वाले करीब 12% लोग इस भाषा का यूज करते हैं। वैसे अगर आप इस बार नागालैंड घूमने का मन बना रहे हैं तो वहाँ के नागा जनजातियों के लोगों के पहनावे को देखकर बिल्कुल भी घबराइएगा मत, क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोग आपको रंग बिरंगे कपड़े पहने और गले या कान पर हड्डियों की माला पहने हुए नजर आ सकते हैं, जिसे देखकर हो सकता है आप थोड़े से डर जाएं, क्योंकि आमतौर पर किसी भी भारत के राज्य में ऐसा नहीं देखा जाता। क्योंकि जब आप नागालैंड में घूम रहे होंगे तो वहाँ पर कई लोग आपको चमकती हुई सफेद जानवरों की हड्डियों की माला और हार को बनाकर अपने शरीर के कई हिस्सों में पहने हुए और वहाँ के रोड
पहाड़ों पर और जंगलों में चलते हुए आसानी से दिख जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बता दे कि ये वेशभूषा वो किसी को डराने के लिए नहीं पहनते, बल्कि अपनी परंपरा को निभाने के लिए नागा जनजाति के लोग ऐसे वेशभूषा का या सीधी तौर पे कहूं कि ऐसे पहनावे का उपयोग सदियों से करते आ रहे हैं। असल में इसके पीछे का सत्य जो है वो ये है कि जब ब्रिटेन का भारत पर कब्जा हुआ था, तब अंग्रेजों ने जंगलों पर अपना वर्चस्व जमाने के लिए इस जनजाति के लोगों को सताना शुरू कर दिया था। अब ये बात तो पूरी तरह सच है कि उस वक्त तो उनके पास आधुनिक हथियार तो नहीं थे और नागा जनजाति के लोग निहत्ते थे। मतलब ये जनजाति इस बात से बेखबर थी कि उन पर उन्हीं के घर में हमला कर दिया जाएगा, और उन्होंने अपने बचाव के लिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन लोगों ने जानवरों की हड्डियों को नोकीला कर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। और यही कारण है कि वहां के लोग अपने पूर्वजों के योगदान को याद करने के लिए नागालैंड के नागा लोग गले में आज भी जानवरों की हड्डियों को पहनते हैं। लेकिन ये बात भी पूरी तरह सच है कि अब वक्त के साथ धीरे धीरे इनके पहनावे में भी थोड़ा थोड़ा बदलाव हुआ है। लेकिन बदलाव के बावजूद भी बाकी के राज्यों के मुकाबले नागालैंड का पहनावा आज भी काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। दरअसल यहाँ पर आपको ज्यादातर लोग चादर को कपड़े की तरह पहनते हुए दिखेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे लोग पैरों में कड़ा पहनते हुए मिलेंगे। हालांकि उनके कड़ा पहनने के पीछे भी उनके द्वारा बताया जाता है कि क्योंकि उन लोगों का मानना है कि इस कड़े को पहनने से उन्हें पेड़ों पर चढ़ने में काफी ज्यादा आसानी होती है, जिस वजह से नागालैंड के अधिकतर लोग अपने पैरों में कड़ा पहनते हैं। हालांकि बात सिर्फ कड़ा पहनने तक खत्म नहीं होती, मतलब इतना ही नहीं, नागालैंड के लोग अंधविश्वास पर काफी ज्यादा भरोसा करते हैं। मतलब ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जंगलों में रहने और प्रकृति की पूजा करने के कारण इन लोगों में अंधविश्वास भी काफी हद तक प्रभाव रखता है। असल में नागा जनजाति के लोग बुरे सपने पर काफी विश्वास रखते हैं। ऐसे में जब इस जनजाति में शादी की बात आती है तो वहां की नागा लड़कियों को रिश्ता ठुकराने की पूरी आजादी होती है। दरअसल नागालैंड में शादी करने की यह अजीब परंपरा भारत के बाकी राज्यों से काफी अनोखी है। ऐसा इसलिए क्योंकि नागा लोगों के बीच अंधविश्वास के चलते नागा लड़कियां कई बार शादी का रिश्ता ठुकरा सकती है। मतलब अगर इस बात को हम थोड़ा विस्तार से बताएं तो वो ये है कि अगर नागा जनजाति की किसी लड़की का रिश्ता लड़के से होता है और लड़की 3 दिन के अंदर कोई ऐसा सपना देख ले जो काफी डरावना और बुरा है, तो ऐसे में वो इस रिश्ते को ठुकरा देती है। मतलब अगर शादी के 3 दिन तक वो ऐसा कुछ भी देख ले जिसकी वजह से वो डर जाए या वो सपना उसे डरावना लगे, तो वो उसी वक्त उस लड़के से वो रिश्ता तोड़ सकती है, जो कि सुनने में थोड़ा सा अजीब है। हालांकि ये बात आपको अजीब लगी कि नहीं लगी वो हमें कमेंट में बताइएगा। हालांकि जितनी ये बात अजीब है उतना ही ये बात भी सच है कि जिसके बारे में आपको भी शायद पता ना हो, लेकिन नागालैंड में टोकरी बनाने की कारीगरी को सबसे शानदार हुनर के लिए जाना जाता है। दरअसल आपको बता दे कि ये कारीगरी कभी भी बाजार के हिसाब से नहीं शुरू की गई थी। मतलब ये कारीगरी वहाँ के लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का एक अंदरूनी हिस्सा थी, जिस वजह से इनमें हुनर ही कुछ ऐसा था कि वहाँ के लड़के अपने घर में ही रहकर अपने बड़ों से ये काम सीखा करते थे। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दे कि परंपरा के तौर पर यहाँ का हर आदमी एक बांस कारीगर होता ही होता है। और इतना ही नहीं, नागालैंड में हर जनजाति में टोकरी बनाने की इनकी एक अलग शैली होती है। मतलब आप जितनी जनजातियों के पास जाएंगे उनकी टोकरी उनसे उतना ही अलग देखने को मिलेगी। मतलब एकदम अलग और एकदम अद्भुत तरह का कला आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि अब बात आती है वहाँ पर खाने की, क्योंकि भारत में नागालैंड के खाने के बारे में हमेशा काफी चर्चा होती रहती है, इसलिए इस बात का जानना बहुत जरूरी है कि नागालैंड में किस तरह का खाना खाया जाता है। मतलब अगर नागालैंड के लोगों के खाने की बात करें तो नागालैंड के लोग धरती पर मौजूद हर उस चीज को खाते हैं जिसमें प्राण होते हैं, यानी वो कीट पतंगों और कीड़े मकोड़े तक को भी खाते हैं। लेकिन जिस चीज को वो सबसे ज्यादा मजे से खाते हैं वो है जंगली जानवर। असल में आपको बता दे कि ये नागा काफी ज्यादा लड़ाकू स्वभाव के होते हैं और जंगली जानवरों का मांस उनकी खुशी में 4 चांद लगा देता है। लेकिन बात अगर दिल्ली और उत्तर भारत के चिकन प्रेमियों की करें तो ये बात सुनकर उनके दिल में थोड़ा सा घबराहट जरूर पैदा कर देगी। और अगर हमारे तरह की खाने की बात करें तो वहाँ चावल नागाओं का सबसे फेमस खाना होता है। वो चावल और मीट को एक साथ खाते हैं। और आपको बता दे कि इस खाने में जो ज्यादातर मीट होता है वो पोर्क बीफ या चिकन का होता है, लेकिन ये सांप घोंगे चूहे गिलहरी कुत्ते बिल्ली मिथुन भैंसे हिरन मकड़ी चिड़िया केकड़े बंदर मधुमक्खी का लावा झींगा और तो और लाल चींटियां भी बड़े चाव से खाते हैं। यह दूसरी भाषा में यू कहें कि वो हर चीज जिसके बारे में उत्तर भारत में रहने वाले मांसाहारी शख्स सोच भी नहीं सकता, उस हर जंगली जानवर को ये नागालैंड के नागा बड़े चाव से खाते हैं। और तो और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हाथी तक को नहीं छोड़ते, ये लोग उसे भी बड़े चाव से खाते हैं। मतलब नागालैंड वाले किसी भी जानवर के शरीर के कोई भी अंग को खाने के दौरान बर्बाद
बर्बाद नहीं करते। इतना ही नहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि नागालैंड में कुत्ते का मीट भी काफी ज्यादा फेमस है और यही कारण है कि पूरे देश में ये अफवाह फैली हुई है कि नागालैंड के लोग इंसान भी खा जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से झूठ है। दरअसल इसके पीछे भी उनकी बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि आज से 10 दशक पहले वहाँ पर खाने का कोई भी सामान नहीं हुआ करता था, जिस वजह से वहाँ के लोगों को जीवित रहने के लिए मजबूरन इन सब चीजों का सेवन करना पड़ा और तब से लेके आज तक वहाँ के लोग इसे बतौर खाना खाते चले आ रहे हैं। हालांकि अगर आप बतौर टूरिस्टर जाते हैं तो आपको आपके हिसाब का भी खाना उस राज्य में आसानी से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब ये राज्य काफी तेजी से विकसित हो रहा है। वैसे दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद आपके दिमाग में ये बात जरूर चल रही होगी कि मतलब आपको ये जरूर लग रहा होगा कि ये लोग कम पढ़े लिखे होंगे तभी तो ऐसा करते हैं। हालांकि अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि नागालैंड में करीब 80% लोग शिक्षित हैं। यानी अगर आप ये आंकड़ा किसी और राज्य से मिलाए तो आप पाएंगे कि इस मामले में नागालैंड वाकई भारत के बाकी राज्यों के मुकाबले काफी आगे है, क्योंकि उनका खाना उनकी मजबूरी है, इस वजह से उन्हें उस तरह का खाना खाना पड़ता है। लेकिन यहाँ के लोग और यहाँ के लोग के विचार भारत में काफी अच्छा माना जाता है। फिलहाल आगे चलते हैं और जानते हैं अब इस राज्य के त्योहार के बारे में। हालांकि यूं तो भारत के हर राज्य में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, पर नागालैंड का कल्चर बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग है। वैसे नागालैंड में यूं तो कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं, पर उन्हीं में से एक त्योहार है मोत्सु, जिसे नागालैंड में हर साल हर महीने के पहले सप्ताह में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दरअसल यहां रहने वाले 17 कबीलों में एओ ट्राइब नाम का एक कबीला है और इसी कबीले में मोत्सु त्योहार को सबसे ज्यादा विशेष रूप से मनाया जाता है। दरअसल इस जनजाति के लोग त्योहार को फसल उत्सव के रूप में मनाते हैं और इस त्योहार का मकसद वहाँ पर एकता फैलाना होता है। और आपको बता दें कि नागालैंड में इस त्योहार को फसल कटाई के बाद ही मनाया जाता है। करीब साल भर की मेहनत और तपस्या के बाद खेतों को साफ करने, जंगलों को जलाने और नए बीज बोने का वक्त आता है। तब नागालैंड के आदिवासियों के लिए मोत्सु त्योहार साल भर की थकान से निकलने और नई बीज यानी के नया बीज बोने की खुशी जाहिर करने का एक तरीका होता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आदिवासी इस त्योहार के दौरान फसलों और अनाज की बढ़ोतरी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और एकता से भरी इस त्योहार में सब एक साथ लोकगीत गाते हैं, साथ ही वहाँ का परंपरागत डांस भी करते हैं। और त्योहार के दौरान फसलों के स्वस्थ रखने के लिए और भगवान को खुश करने के लिए वहाँ के लोग जानवरों की बलि भी चढ़ाते हैं। हालांकि नागालैंड में ये त्योहार करीब 3 दिनों के लिए मनाया जाता है और इस त्योहार में वहाँ की सबसे फेमस रस्म सोंग पोंगटू रस्म भी शामिल है। जिन्हें ये नहीं पता कि ये रस्म क्या है, उन्हें बता दे कि सोंग पोंगटू में एक बड़ी आग जलाई जाती है, जिसमें महिलाएं पारंपरिक परिधान और गहने पहनती है और वहाँ के पुरुष भी सबसे अच्छे ड्रेस पहनकर सजते हैं। उसके बाद वहाँ की महिलाएं और पुरुष आग के चारों ओर घेरा बनाकर बैठते हैं। महिलाएं उत्सव में आने वाले लोगों को चावल से बनी शराब और मांस परोसती है और उसी उत्सव के दौरान बहुत सारी प्रतियोगिताएं रखी जाती है जिसमें वहाँ के लगभग लोग हिस्सा लेते हैं। लेकिन आपको बता दे कि इस त्योहार का जो नियम है वो हम लोगों के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि जैसे ही ये त्योहार शुरू होता है उससे पहले ही गांव के सभी गेटों को बंद कर दिया जाता है। और तो और, अगर आपको ये त्योहार देखना है तो आपको इसके लिए टिकट खरीदनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, आपको बता दे कि ये त्योहार शुरू होने से पहले अगर आप इस कबीले के अंदर आ गए तो त्योहार खत्म होने से पहले आप इस कबीले से बाहर भी नहीं जा सकते हैं। हालांकि दूसरी तरफ अगर आप इस त्योहार में आने से चूक गए, मतलब एक बार त्योहार शुरू होने के बाद आप इस कबीले के अंदर भी नहीं आ सकते हैं। दरअसल ये सारे नियम उन लोगों के लिए है जो उस गांव से संबंध नहीं रखते हैं, क्योंकि आपको बता दे कि नागालैंड में देश विदेश से लाखों पर्यटक घूमने के साथ साथ मोत्सु त्योहार देखने के लिए भी काफी बड़े पैमाने पे इकट्ठा होते हैं। हालांकि इस फेस्टिवल के साथ साथ नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर के बीच हॉर्नेबल फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिसमें नागालैंड की संस्कृति देखने को मिलती है। इस फेस्टिवल में आपको तरह तरह के नागा पकवान और वहाँ का फेमस लोक नृत्य देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों, बात यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि अगर आप यहाँ की प्रकृति और इन सब चीजों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ रहना चाहते हैं तो ये काफी मुश्किल होता है, क्योंकि आपको बता दें कि नागालैंड में रहने के लिए आपको सरकार से इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, जिसे लेने में काफी दिक्कत आती है। और तो और, किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ की प्रॉपर्टी खरीदने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, जिसका सीधा सीधा निष्कर्ष ये है कि आप यहाँ पर स्थायी रूप से रह ही नहीं सकते हैं। मतलब आप बतौर टूरिस्टर ही नागालैंड में घूम के सिर्फ वापस आ सकते हैं।
सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग और कुछ शॉकिंग फैक्ट्स नागालैंड के बारे में। हालांकि दोस्तों इतना कुछ जानने के बाद नागालैंड को लेकर आपके क्या विचार हैं? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है। हालांकि दोस्तों जाते जाते आपको बता दो कि नागालैंड भी भारत का एक अहम हिस्सा है, इसलिए इसका भी विकसित होना उतना ही जरूरी है जितना भारत का कोई और राज्य विकसित होना जरूरी है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि नागालैंड तेजी से विकास हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ दबा के शेयर करें, ताकि वो भी वहाँ के कल्चर को देखने जाए और वहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और इसी तरह के अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।